लेट मी चेक। अथर्व हाय एवरीवन, एक बार सबको सब लोग बता दो, एम आई विजिबल? विजिबल ऑडिबल दोनों? हाय हाय हाय। 268 ऐड आ रहे हैं। ऐड तो मेरे को भी आ गया यार। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, आ गए आ गए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मेक इट इजी। विनोद, भानु, कीर्ति, मोहम्मद, जहीर, रहमान, संगीता सिंह, दिशा, दिव्या, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। हाय एवरीवन, ऑडिबल विजिबल सब कुछ सही है? ठीक है, ऐसी बहुत सारी सीरीज लाएंगे यार। ठीक है, लेट क्यों हुआ? विल यू गाइड? हाँ करते हैं गाइड। गाइडेंस के लिए अपना अलग से सेशन रख देंगे यार। आज पढ़ना है वो तो पढ़ो। सम चीप पीपल बॉडी शेविंग। हाँ मैं देखा, कोई बोल रहा था मोटा भाई। अरे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई शेविंग मुझे लगती नहीं है। ठीक है, बोल सकते हो। वजन जब कम करेंगे भाई करेंगे बिल्कुल। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो, हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? लास्ट ईयर यार हमारी 15 मिनट सीरीज, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज किस किसने करी थी? लेट क्यों हो? अरे फर्स्ट था, थोड़ा सा पीडीएफ सेटअप सब कुछ करने में टाइम लग रहा था, 5-7 मिनट लग गए एक्स्ट्रा। तो एक्सट्रीमली सॉरी, कल से टाइम पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो पीडीएफ दे देंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको मैं। आज नहीं, अब पूरे 2 महीने लग के आपको ये सब करना है। ठीक है, 2 महीने में बहुत सारे चीज़ें प्लान की है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी। ठीक है, ओवरऑल पेपर प्रैक्टिस भी हो गया, ग्रैंड गेस पेपर्स भी हो गए, सब कुछ करेंगे। थोड़ा पंक्चुअल, हाँ थोड़ा पंक्चुअलिटी में थोड़ा इशू है, 5-10 मिनट हो जाता है, क्योंकि यार आज तो वैसे कॉलेज नहीं था, बट स्टिल कुछ ना कुछ काम में लग गए थे, तो वहाँ से ख़त्म करके पीडीएफ बनाना। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ गलती है, कोई वो नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, बट अब बढ़िया से करेंगे। ठीक है, पीडीएफ बनेंगी, डीपीपीएस बनेंगी आपकी। आपको लास्ट ईयर का नहीं पता था, कितने बच्चे लास्ट ईयर थे और लास्ट ईयर कितने सवाल आए थे? ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं मुझे कि भैया आपने जो बताया उसमें तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं ये, बट मेजोरिटी बच्चों को पता है कि जो क्वेश्चन बताए थे, जो क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आए थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लोग अटेंडेंस लगा देना, लाइक कर देना यार, जितना लाइक करोगे उतना यार मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ यार इतने बच्चों ने लाइक किया सेशन को। ठीक है, 1 घंटा 1.25 घंटा, देखो अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना कि भाई मेरे को 45 मिनट्स में खत्म करना सेशन, तो ये नहीं हो पाएगा। 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा, बट आराम आराम से मजे करते करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ कुछ लोग करे 3-4 क्वेश्चन, कुछ करे 14 क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस मैच हुआ था। देखो जिन्होंने पूरा सीरीज देखा है पूरा, ठीक है, उनको बहुत सारे सवाल सेम मिल गए होंगे, और इस बार भी आएंगे, इस बार और अच्छे आएंगे। ठीक है, इस बार और अच्छे आएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, और ये चीज़ मुझे पता है कि कहाँ से आ सकती है। ठीक है, रीजन बिंग क्योंकि 3-4 साल से इसमें पढ़ा रहे, और खुद ये एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है, तो मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन गैस कर लिए पहले ही। ठीक है, तो जितना करवा रहा हूँ उतना डेफिनेटली करते हुए जाओ। राइट, 518 लोग हो चुके हैं, लेट स्टार्ट। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, मजा आने वाला है आज। ठीक है, तो एक बार बताओ कैसा है जोश? हाउस द जोश? वॉइस थोड़ी कम है यार, माइक मेरा कुछ चोरी हो गया है। ठीक है, कुछ महीने पहले, तो इसलिए मैंने माइक अभी कनेक्ट नहीं किया है, बट हाँ नेक्स्ट सेशन से माइक भी कनेक्ट कर लेंगे, और अभी पूरे 2 महीने लग के करेंगे अपन पढ़ाई। ठीक है, 2 महीने आप भी मेरे साथ लगना, मैं भी रहूँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि टीचर्स आएंगे, को पढ़ाएंगे, और शॉर्ट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो नीट में आ सकते हैं, ऐसे कंसेप्ट हम लोग जल्दी जल्दी करवाएंगे। ठीक है, तो कितने लोग रेडी है 2 महीने लग के पढ़ने के लिए यहाँ पे? बिल्कुल 2 महीने, हर एक दिन मुझे आपका एफर्ट चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई की, लग जाओ अब। ठीक है, चलो 543 लोग आ चुके हैं, लेट स्टार्ट। ठीक है, आ जाए फर्स्ट सवाल पे।
पहला सवाल क्या शुरू करना है? बिल्कुल करना है भाई, क्यों नहीं करना? ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बायो एज सीरीज का डे वन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, 7 करोड़ तो नहीं लेकिन एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, 1 करोड़ की तो आपकी गवर्नमेंट फंडिंग कर ही देगी। ठीक है, चलो पहला सवाल है, मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं, आपके पास क्लास दे रखा है, तो होमोसेपियंस किस में आते हैं? डाइकोट है भाई, हम लोग मैमिलिया है, मोनोकॉट है, इंसेक्ट है। ठीक है, इंसेक्ट, हाँ कुछ लोग हम में से है, मैं भी थोड़ा बहुत इंसेक्ट हूँ। ठीक है, लोग कहते रहता है कि कमेंट्स के अंदर कॉकरोच ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो मच्छर तो बहुत लोग कहते हैं, तो हाँ चलो बिल्कुल। तो होमोसेपियंस हमारे पास क्या है? मैमिलिया के अंदर आते हैं, सबको पता है, राइट। इसके बाद मस्का डोमेस्टिक, डोमेस्टिका ये क्या होता है? हाउस फ्लाई। ठीक है, तो बी का हो गया तुम्हारा, ये इंसेक्ट है, बी का हो गया 4, ए का हो गया तुम्हारा 2, मैंजीफेरा इंडिका आम, ठीक है, रसीले आमों से बना हुआ माजा। ठीक है, तो सी हो गया तुम्हारा, मैंजीफेरा इंडिका किस में आता है? डाइकॉट, बिल्कुल। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, सी का हो गया 1, क्या आंसर रहा? बिल्कुल। ठीक है, तो डन, फर्स्ट सवाल सबसे बन गया। अगर ये सवाल नीट में आता है एज इट इज कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको एक टिप भी दे रहा हूँ कि इन सब के क्लास और इन सब के नाम, इन सब के डाइकोट मोनोकोट में कंफ्यूज करेगा, मुझे पता है। एग्जाम्पल का देखो, आप बाकी जगह कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एंजियोस्पर्म में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप मैमिले में कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे पता है। एग्जाम्पल कहाँ कंफ्यूज करेगा आपको? आपको कंफ्यूज करेगा मैंजीफेरा इंडिका और इसके क्लास में। तो याद रखना मैंगो से डी, ठीक है, एम डी, एम डी सबको करना है ना, नहीं करना तो भी याद कर लो, एम डी मैंगो तुम्हारा डाइकॉट होता है। ठीक है, मैंगो तुम्हारा डाइकॉट होता है, सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल आप सबकी स्क्रीन पे। अब ये सवाल देखते हैं, बहुत इजी है। कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई करते हैं, सबको पता है टोटल कितनी होती है? शुरू करते हैं हम लोग, ऑब्लिगेट मतलब मेन कैटेगरीज, ऑब्लिगेट मतलब मेन। ठीक है, स्पीसीज, फिर तुम्हारा जीनस, फिर तुम्हारा फैमिली, फिर तुम्हारी ऑर्डर, फिर तुम्हारा क्लास देखा जाता है भाई, फिर तुम्हारा देखा जाता है क्लास के बाद फाइलम या किंगडम, फाइलम या डिवीजन। ठीक है, तो फाइलम लिख लो और फिर किंगडम। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। वेरी गुड माधवन, अनुष्का, स्वप्निल, श्रीजा, लव्या, आयशा, शिवांशु, साक्षी, बहुत लोगों ने सही दिया। तो 7 हमारे पास ऑप्शन है और 7 करोड़ रुपए आप जीत चुके हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। सिलेक्ट द ऑप्शन शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई ठीक है, अभी मैंने बताया असेंडिंग मतलब छोटे से शुरू करते हुए बड़े तक, छोटे से शुरू करते हो। आप सब छोटे से कहाँ शुरू करते हो? आप शुरू करते हो कि भाई मुझे कोई एक नॉर्मल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए, जाते कहाँ तक हो आप? एम्स दिल्ली तक। तो ये क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग में नहीं आते हो, आप डिसेंडिंग में आते हो। ठीक है, आपने कहाँ से शुरू किया है? आपने शुरू किया एम्स दिल्ली से। अब आगे भैया कोई भी एक सीट दिलवा दो, कोई भी एक सीट मिल जाए मैं तो खुश हूँ। लास्ट में आओगे भैया बीएमएस बीएचएमएस मिल जाए तो भी खुश हूँ। लास्ट में आओगे भैया फार्मेसी कर लूँ, बीएससी करूँ तो भी खुश हूँ। ठीक है, तो आप चल रहे हो डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग इसका उल्टा हुआ कि हम शुरू छोटे से करते हैं लेकिन जा रहे बड़े तक। ठीक है, तो सबसे छोटा है स्पीसीज, उसके ऊपर तुम्हारा क्या है? जीनस, फिर तुम्हारी फैमिली आती है, फिर तुम्हारा ऑर्डर, फिर तुम्हारा क्लास, फिर तुम्हारा फाइलम या डिवीजन, और तुम्हारा फिर किंगडम। तो ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। 587 लोग है और लाइक 587 हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए तो हाँ 580 लाइक से 700 800 लाइक्स कर दो भाई। नेक्स्ट सवाल, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट भाई इसमें से तुम्हारा इनकरेक्ट है? बोटैनिकल गार्डन्स को लेके। ठीक है, गार्डन होता है जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए। तो यहाँ पे लिविंग प्लांट्स भी इसमें से, हाँ गार्डन में लिविंग तो होता है, म्यूजियम थोड़ी है वो। ठीक है, तो ये सही है भाई। सेकेंड, इन सीटू, इन सीटू है क्या ये? इन सीटू है नहीं, इन सीटू है कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। तो ये तुम्हारा इन सीटू नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? एक्स सीटू है। एक्स सीटू और इन सीटू, कितने लोग कंफ्यूजन है? एक्स सीटू इन सीटू कंसेप्ट में आपका यही पे रिलेटेड है, मत करो, मैं छोड़ो मत इसको, मैं बोल रहा हूं ये टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि एनटीए ने इससे पहले बहुत क्वेश्चन पूछ रखे है, टॉपिक छोटा है और कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लास्ट में चैप्टर्स है ना, जो तुम्हारे लास्ट में चैप्टर्स है
उसमें भी आते हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ना मत। तो एक्स सी टू इन सी टू देखते कैसे, देखो तो ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा इनकरेक्ट, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अब एक्स सी टू इन सी टू मतलब क्या, तुमने जस्ट सेकेंड, ठीक है, एक्स सी टू इन सी टू मतलब क्या हो गया, तुमने उसी कंप्लीट प्लेस को, तुम्हें पाया गया कि भाई ये कोई एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में एक अलग सा स्पीसीज है, ठीक है, अलग सा स्पीसीज जो है वो तुम्हें पूरा का पूरा वहीं पे कंजर्व करना है, ठीक है। तुमने क्या कर दिया, पूरा ग्राउंड को ही फेंसिंग कर दी और बोला कि आज से ये मेन जोन है। हाँ ठीक है, कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, ये मेन जोन है पूरा, जहां पे वो प्लांट पाया गया ना, उसी पूरे एरिया को, या जहां पे एनिमल पाया गया वो उसी पूरे एरिया को हमने कंजर्व कर दिया। इसको कहते हैं इन सीटू, मतलब ऑन साइट, याद रखना इन सीटू का नाम है ऑन साइट, ठीक है। इन सीटू का मतलब क्या है, ऑन साइट, समझ में आया ये चीज, एक बार मैं ब्लैंक पेपर समझा रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। इन सीटू का मतलब क्या है भाई, ऑन साइट, ठीक है, ऑन साइट मतलब वो पूरा साइट तुमने कंजर्व कर दिया, ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसके ही एरिया में। एक्स सीटू का मतलब क्या है भाई, तुमने एक्स सीटू मतलब ऑफ साइट, मतलब तुम्हें एक प्लांट मिला किसी जंगल में, तुमने क्या किया, उस प्लांट को तुम वहां से उठा लाए और उस प्लांट को तुमने एक गार्डन में ग्रो कर दिया, या तुमने किसी चीज को लिया और म्यूजियम में रख दिया, या तुमने किसी एनिमल को लिया जू में रख दिया। अब बताओ जो जू में एनिमल होते हैं, तुम कभी जू गए हो भैया, हम तो वहीं रहते हैं, ये बात नहीं बतानी है, ठीक है, हम तो जू में रहते नहीं है, बट जू में जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स हम लोग कहीं से लाते हैं ना, डिफरेंट हैबिटेट से साथ में आते हैं, टाइगर, चिड़िया, पंछी, हम लोग भी रहते हैं मंकी वाले इसमें, ठीक है, सबको पता है ये होता है ऑफ साइट। अब कैसे याद रखें, इन सीटू को याद करने की एक ट्रिक है, एच बी न्यूज, एच बी न्यूज, NEWS, एच से हो गया हॉटस्पॉट, लिख लो हॉटस्पॉट, बी से हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व कर दिया पूरे एरिया को, एन से हो गया नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हम जाते हैं, जू में एनिमल्स हम लोग ला के रखते हैं, नेशनल पार्क में पूरे एक एरिया को कंजर्व कर देता है, जिसमें वो करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये, बाद में भी इकोलॉजी में आता है, तो ये बोल रहा हूँ छोड़ना मत, ठीक है। डब्ल्यू से हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी में जाते हैं कि भाई यहाँ पे एनिमल मिलेंगे, पंछी मिलेंगे, और एस हो गया सैक्रेड ग्रूस, सैक्रेड ग्रूस, ये तुम्हें आगे मिलेगा, तभी बोल रहा हूँ कि इकोलॉजी में कई बार पूछा गया है, छोड़ना मत, क्लियर है क्वेश्चन ये। चलो आगे बढ़ेंगे, वापस रिपीट कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं क्लास के बाद। चलो नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल अपने पास है, मैच द फॉलोइंग, जल्दी मैच करो भाई, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। ICNB, ICNCP, ICVZN, ICZN, ठीक है, सबको पता है कि हमारे पास ICNB मतलब, ICNB मतलब क्या, देखो ICBN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमिनक्लेचर, बोटैनिकल, ठीक है, ICNB होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमिनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियो फेज, बैक्टीरिया वाला हो गया ये, ठीक है, तो बैक्टीरिया कौन है, इनमें से विब्रियो कुलेरे एक बैक्टीरिया है। विब्रियो कुलेरे क्या कॉज करता है, कुलेरा कॉज करता है, शेप क्या होता है, कोमा शेप होता है, ठीक है। ICNCP ये क्या है भाई, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, सीपी, ठीक है, कनॉट प्लेस नहीं है ये जहां लोग रील बनाते हैं, सीपी, ठीक है। तो बी का हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। ICVZN, वी समझ मेरा वायरस है, तो वायरस क्या है, बैक्टीरियो फेज, बैक्टीरियो फेज एक वायरस है, ठीक है। ZN मतलब जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब एनिमल्स के लिए, तो मैच कर लो, क्या ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, वेरी गुड, डन। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल, ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल, मतलब किसके सेल वॉल को लेकर, ऑड वन क्या है, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस, थर्मोसिडोफाइल्स, साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल, ये तीनों जो है ये आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है, तो इनका सेल वॉल बहुत अच्छा होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, तभी ये बहुत टाइम से लगे हुए आए, ठीक है, तभी ये बहुत टाइम से लगे हुए आए हैं, अभी तक मरे नहीं है ये, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे आर्किबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है, और साइनोबैक्टीरिया तुम्हारा अलग से ही उसमें एक क्लास है, ठीक है, तुम्हारे बैक्टीरिया के अंदर, डन, अलग से ही ग्रुप है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट सवाल जल्दी जल्दी करेंगे, शेप सबको पता है, शेप सबको पता है। चलो, कोकस मतलब स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप्ड, स्पाइरिलम स्पाइरल, विब्रियम कोमा शेप, विब्रियो कोलेरा टाइप, ठीक है। तो ये सारे शेप तुम्हें याद चाहिए, कोकस मतलब गोल गोल,
बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल, ठीक है इस तरीके से स्पाइरल, और विब्रियम मतलब कोमा शेप्ड। डन, क्या आंसर होगा इसका? ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 3, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4, ए 2 सी, हाँ ठीक है ये वाला ऑप्शन राइट, ऑप्शन 2। सारे ऑप्शन मैच किए बिना कभी ऑप्शन मार्क मत करना, गड़बड़ कर देते हो इसमें, ठीक है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैचिंग नहीं है? पक्सिनिया रश कॉज करता है, बिल्कुल करता है। ईस्ट से ब्रेड बियर बनता है, ठीक है, ब्रेड तुम खाते हो, बियर तुम पीते नहीं हो, बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हारा ये सही है। क्राइसोफाइट डायसोमेशियस अर्थ क्रॉस करता है, क्राइसोफाइट्स में क्या आता है? डायएटम्स, और डायएटम्स तुम्हारा डायटोमेशियस अर्थ क्रॉस करेंगे, ठीक है। पेनिसिलियम रेड टाइड नहीं करता, रेड टाइड कौन करता है जल्दी बताओ? रेड टाइड तुम्हारा होता है गॉनविलैक्स की वजह से, स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग में मेरे हाथ टाइट रहता है, ठीक है, स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, आईसीएसई वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलो, फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू, किसको बिलोंग करते हैं? लैकिंग ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल ही नहीं है, एनारोबिक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, मिल गया आंसर, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एनिमल्स, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है, एनारोबिक है। तुम बोलोगे भाई ये क्या है, क्या है ये? माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट होता है। साइज कितना इसका होता है? इसका साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर, लिख लो, ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है और ये क्वेश्चन तुम्हारे सेल चैप्टर में है। माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। शाबाश, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया? डन, टीओ डाइनर 1971। चलो वेरी गुड, वीरियोइड्स वायरॉइड जो बोलना है बोल लो, लेकिन याद चाहिए वीटी, ठीक है, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा, वायरॉइड्स टीओ डाइनर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, क्लास ऑफ फंगाई गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एग्जांपल्स गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स, ड्यूट्रोमाइसिड्स एंड फाइकोमाइसिड्स। तो एस्कोमाइसिड्स क्या है? सबको याद चाहिए। बेसिडियो क्या है? सबको याद चाहिए। सबसे सीक्वेंस में फाइको आता है, सबसे पहले फाइको आता है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं फाइको को? अलगल फंगाई टाइप, ठीक है। तो फाइको के एग्जांपल याद करने की ट्रिक है राम, फाइको को याद करने की ट्रिक है राम। तो आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकर, ठीक है। तो राम से तुमने याद कर लिया, तो फाइको का एग्जाम्पल मिल गया राइजोपस। एस्को का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जिससे बनता है, ठीक है, पेनिसिलिन जिससे बनता है पेनिसिलियम, वो एस्को का बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ए का 2, तो यही से सारे ऑप्शन हट गए। बेसिडियोमाइसिट्स का एग्जांपल क्या है? पक्सिनिया रस्ट, पक्सिनिया और उस्टिलैगो, ये दोनों एग्जांपल्स होते हैं बेसिडियो के। और तुम्हारा ड्यूट्रो के एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, इसको याद करने की ट्रिक है कैट, इसका एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है कैट। कैट से कोलिडोट्राइकम फैल्केटम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, कोलिडोट्राइकम अल्टरनेरिया एंड ट्राइको डर्मा। डन, चलो तो आंसर हो गया तुम्हारा 2, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। इन डैश सेल वॉल फॉर्म्स थ्रू टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टूगेदर एज सोप बॉक्स, डायटम्स का फीचर होता ही है, डायटम्स का फीचर होता है सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस ऑफ सेल वॉल, इस तरीके से दो सोप जिसमें अपन सोप रखते हैं, साबुन रखते हैं, जो बॉक्स होता है नीचे एक और ऊपर एक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डायटम्स के अंदर सोप बॉक्स अपीयरेंस, और इसकी जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सिलिका से, जिसकी वजह से जब ये मरते हैं सी के अंदर, ओशियन के अंदर, तो नीचे बन जाता है डायटोमिशियस अर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं कैसुलगर, ठीक है, स्पेलिंग मेरे को नहीं आती। लैमिनेरिया एंड फ्यूकस आर, लैमिनेरिया कैल्प होता है, फ्यूकस रॉक वीड होता है। तो ये दोनों कौन से अलग के एग्जाम्पल है? रेड के है, ब्राउन के है, ग्रीन के है, गोल्डन ब्राउन के है, सारे अलग के एग्जाम्पल्स याद चाहिए, ठीक है। लैमिनेरिया और फ्यूकस, जैसे वॉलवॉक्स बोलूंगा ग्रीन अलगी, फ्यूकस बोलूंगा ब्राउन अलगी, ठीक है। अगर किसी को याद करने है रेड अलगी का एग्जांपल, तो पीजी पीजी, पीजी पीजी क्या है? पोरफायरा पॉलिसिफोनिया जिलिडियम ग्रेसलेरिया, ये किसके है? रेड अलगी के, ठीक है। ब्राउन के तुम याद कर लो फ्यूकस लैमिनेरिया डिक्टायोटा, ठीक है, और ग्रीन के तुम्हारे याद ही है वॉलवॉक्स हो गया, तुम्हारा क्लैमाइडोमोनास हो गया, ये सब याद कर लो, ठीक है। डन 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 डन। चलो नेक्स्ट सवाल, मैच द क्लासेस
ऑफ टेरिडोफाइट गिवन इन कॉलम वन विद द एग्जाम्पल्स गिवन इन कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. फटाफट बताओ. साइलोप्सिडा तो नाम में ही है, साइलोप्सिडा तो नाम में ही है. ठीक है, क्या हो गया तुम्हारा साइलोप्सिडा का साइलोटम, तो ए का हो गया तुम्हारा टू, ये ऑप्शन कट गया. लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम और इक्विसेटम, याद कर लेना. ठीक है, लाइकोप्सिडा का लाइको, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड. ठीक है, टेरोप्सिडा का तो पैड से याद कर लो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी मैचिंग में. टेरोप्सिडा का पैड से याद कर लो, टेरिस एडियंटम ड्रायोप्टेरिस. ठीक है, तो डी का हो गया थ्री, तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा कट गया. साइलोप्सिडा का अपन सही मैच कर लिया, अपन ने स्फेनोप्सिडा इक्विसेटम. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, बिल्कुल स्फेनोप्सिडा इक्विसेटम लाइकोप्सिडा स्टेलाजिनेला. बिल्कुल, थोड़ा मेरे से गड़बड़ होगी ऑप्शन देखने में. क्लियर, तो ए का हो गया तुम्हारा, ऑप्शन क्या बन रहा है, सी के फोर से ए ऑप्शन. क्लियर, चलो वेरी गुड. बिल्कुल, एल्जिन कैरेजिन प्रोटीन्स किस किस में होते हैं, बेसिक है. एल्जिन कैरेगिन का तुम इसमें देखो, तो आर आ रहा है तो रेड अलगी, कैरेगिन में आर आ रहा है तो रेड अलगी. ठीक है, एल्जिन ब्राउन अलगी और प्रोटीन्स तुम्हारा ग्रीन अलगी. तो ब्राउन रेड ग्रीन, ब्राउन रेड ग्रीन ऑप्शन टू. कितने लोगों का सही हुआ, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा कि लाइव कर लो, बड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, मजा भी आएगा. ठीक है, डन, आगे बढ़ेंगे. ए बी सी डी कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है. सी तो पूरा फैला हुआ है डिक्टायोटा, फैला हुआ डिक्टायोटा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया. ठीक है, तो इसको तुम लिख लो डिक्टायोटा. ठीक है, बी क्या है, एक तरफ झुका हुआ, तो तुम बोलोगे भैया बिल्कुल. बी क्या है, बिल्कुल बी तुम्हारा फ्यूकस है और ये तुम्हारा लैमिन एरिया है. ये डायग्राम तुम्हें याद चाहिए, नीट में आ सकता है. डन, वेरी गुड. इन साइकस, साइकस में याद करने की ट्रिक है यूसी, अनब्रांच होता है साइकस में, अनब्रांच होता है साइकस में. ठीक है, तो ये सही है. पिनेटली कंपाउंड लीव एग्जिस्ट परसिस्ट फॉर इयर्स, है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बिल्कुल होता है एनाबिना के साथ. एनाबिना साइकेडिया किसको हम लोग कहते हैं, एनाबिना, स्पेलिंग देख लेना है. ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट. डन, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी, कौन से इनमें से यूनिसेल्युलर एल्गी है. ठीक है, जो स्पेस में जो लोग जाते हैं ना, वो इसको प्रेफर करते हैं खाने के लिए, जो लोग स्पेस में जाते हैं वो लोग इसको खाते भी है. क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, कौन सा यहाँ पे मैचिंग नहीं है. सेट ऑफ क्लास एंड थ्री एग्जांपल्स, मैमिलिया में कैनिस, फेलिस, इक्वस, आता है कि नहीं आता. ठीक है, सब मैमल्स ही है ये, बिल्कुल सही है. ठीक है, एव्स में नियोफ्रॉन, सिटैक्यूला, एप्टिनोडाइट्स, ये सारे बर्ड्स है, आते हैं बिल्कुल. रेप्टिलिया में चिलोन, कोलम्बा और कैलोट्स, पकड़े गए. कोलम्बा लिविया क्या होता है, पिजन, कबूतर, तो ये तुम्हारा गलत हो गया. कोलम्बा लिविया, ये तुम्हारा क्या है, कबूतर, कबूतर. ठीक है, तो ये तुम्हारा कोलम्बा, इसमें बर्ड है, कबूतर तो उड़ता है भाई, तो ये कैसे हो गया रेप्टाइल, तो सी तुम्हारा गलत हो गया. डन, क्वेनोसाइट्स और कोलार सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, डन आंसर बताओ फटाफट से, ए बी सी डी. बिल्कुल, क्वेनोसाइट्स कोलार सेल्स कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं पोरी फेरा के, वेरी गुड. आगे बढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, एस्केरिस का नाम क्या है, एस्केरिस क्या होता है, एंकलोस्टोमा, एस्केरिस राउंड वर्म है, राउंड बॉडी है, एंकलोस्टोमा हुकवर्म है, गोर्गोनिया सी फैन है, लिम्यूलस किंग क्रैब है, एंटीडॉन सी लिली है. तो ऑप्शन बताओ, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है, अभी हमने सेशन लिया था परसों बच्चों का, ठीक है, जो हमारे आगाज बैच के बच्चे हैं,
और जो हमारे संघर्ष बैच के जो संघर्ष बैच में एनरोल हुआ है उनका सेशन कल हो रहा होगा, ठीक है। और जो आगास बैच वाले हैं उनका जो कल एक सेशन हुआ है सुश्रुत का, परसों सेशन हुआ है एक रियान सर का, तो रियान सर का सेशन कल होगा एक, ठीक है। जो बच्चे एनरोल्ड उनको बता रहा हूँ वो तो फुल हो चुकी है बैच, और सुश्रुत जो वाले जो बच्चे हैं उनका सेशन भी बहुत जल्द 3 दिन के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। तो जिनको भी एनरोल करना है कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर मंडे से डीबीपीस भी देंगे, और बच्चे ट्रैकर शीट भर रहे हैं। एक शीट मैंने नोटिस की ना, बच्चे एमसीक्यूज ही नहीं कर रहे, ट्रैकर शीट जब मैं ट्रैक कर रहे थे, हम लोग जब ट्रैक कर रहे थे अपने मेंटर साथ बैठ के, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ट्रैकर शीट में बच्चे रोज पढ़ते रहे 10-12 घंटे, एमसीक्यूज ही नहीं कर रहे, एमसीक्यूज करने में उनकी बैंड बज जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना, एमसीक्यूज करते करते रहो, एमसीक्यूज छोड़ना बिल्कुल भी हमें नहीं है, क्लियर। चलो बच्चे कर रहे 20 MCQs, 50 MCQs, इस टाइम पे कम से कम रोज के 150-200 MCQs तुम्हें करने हैं, 100 तो करने ही करने कम से कम, ठीक है। एक चीज मैंने नोटिस भी की उसमें, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज करते रहने हैं। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग सेट? करेक्ट मैचिंग सेट क्या है? सेलुलर किस में होता है, टिश्यू किस में होता है, ऑर्गन किस में होता है, ऑर्गन सिस्टम किस में होता है, राइट। तो सेलुलर किस में होता है फटाफट से बताओ, फर्स्ट फाइलम, ठीक है, जो हमारा पॉलीफेरा है, स्पॉन्जेस है, उनमें सेलुलर है, तो ए का हो गया 4, वही से आंसर मिल गया, स्टिल मैच करेंगे। टिश्यू क्या है तुम्हारा? टिश्यू होता है तुम्हारा टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा में, तो टिश्यू का हो गया तुम्हारे यहाँ पे ये ऑप्शन। ऑर्गन किस में होता है? ऑर्गन एक में होता है, प्लेटीहेल में, उसके बाद सारे ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद सारे ऑर्गन सिस्टम, तो ये तुम्हारा इस तरीके से मैच हो जाएगा। डन। चलो आगे बढ़ेंगे। पिक द ऑड वन आउट, सेलुलर लेवल पॉरिफेरा, बिल्कुल सही है। टिश्यू लेवल एस्केलमिंथ, गलत है। ऑर्गन लेवल प्लेटी हेलमिंथ, बिल्कुल सही है। ऑर्गन सिस्टम लेवल एनलिडा, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया इसमें से? सेकंड ऑप्शन। डन। याद करना कैसे है? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल में एक ही आता है पहला फाइलम पॉरीफेरा, इसमें दो आते हैं सीसी वाले, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। ऑर्गन में आते हैं प्लेटी, ओपी ओपी, ठीक है, ओवर पावर्ड। और ऑर्गन सिस्टम में उसके बाद के सारे, मतलब एस्केलेमिन से लेके कॉर डेटा तक सारे। डन। चलो कौन सा फीचर नहीं है आर्थ्रोपोडा का? फटाफट से बताओ, चलो चार्ज लगा लूँ मैं, फटाफट से बताओ। हाँ, जो बच्चे पूछ रहे थे भैया हमें एनरोल होना है आगाज बैच में या संघर्ष बैच में, प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा कि क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि लास्ट के 75 दिन बचे हैं, ठीक है। तो 100% अपने को इन जाना है कि भाई इसको तो फोड़ के रहेंगे। तो जितने बच्चे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन एनरोल, आपको विद इन अ डे ऐड किया जाएगा ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल मैंने लिंक दे रखी है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, ठीक है। और रिव्यूज बच्चों के काफ़ी, जो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अच्छा रिव्यू देता है ये, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे हो कि जो एफर्ट डाल रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहा, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है तुम्हारा आर्थ्रोपोडा में? तो पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनियस एसोसिएटेड मेटामर सेगमेंटेशन, ये भी होता है, जॉइंटेड तो होता ही है। पैरापोडिया तुम्हारे मोलस्का में होते हैं, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस तुम्हारे होंगे ही, ऑब्वियस है, नाम में ही है, आर्थ्रो जॉइंट पोड़ा अपेंडेजेस, काइटिनियस एसोसिएटेड इसका फीचर है, ठीक है। और मेटामरिक सेगमेंटेशन किस किस में होता है? मेटामरिक सेगमेंटेशन याद करने की ट्रिक है, ए ए सी, ठीक है। एनलिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा, एनलिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा। डन। आगे बढ़े। चलो मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस क्या होता है? असेक्सुअल सेक्सुअल फॉर्म के बीच में अल्टरनेशन, बस। कभी सेक्सुअल फॉर्म बन गया, कभी असेक्सुअल बन गया, कभी सेक्सुअल बन गया, कभी असेक्सुअल बन गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? मेटामेरिक मेटाजेनेसिस, ठीक है। कंफ्यूज मत होना मेटामेरिज्म में और मेटाजेनेसिस में। मेटाजेनेसिस, जेनेसिस मतलब जेनाइटल, मतलब जेनाइटल ऐसे याद करो, ठीक है। मेटाजेनेसिस मतलब उसका सेक्सुअल और असेक्सुअल में तुम्हारा क्या है? बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्राम एंड पीस प्रोड्यूस नो एंडोस्पर्म बिकॉज? ग्राम एंड पीस में एंडोस्पर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तुम्हारा एंडोस्पर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट पूरा यूज कर लेता है। एंडोस्पर्म बनता तो है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में इसके अंदर है क्योंकि एंजियोस्पर्म है, ठीक
ठीक है, आंसर क्या है, एंडोस्पर्म बनता है लेकिन डाइकोट्स के अंदर वो एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, कंप्लीटली यूज हो जाता है किसके थ्रू, डेवलपिंग सीड के थ्रू। डन, नेक्स्ट सवाल, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिलिएसी, सबको याद चाहिए लिलिएसी में क्या होता है, तुम्हारे तीन तीन होता है, 3+3 ठीक है, तो 6 तुम्हारे टेपल्स हो गए, जाइगोमॉर्फिक नहीं है, जाइगोमॉर्फिक बस पी फैमिली होती है, फैबिएसी ठीक है, बाकी सारे फैमिली जो एनसीटी के अंदर है वो तुम्हारे कैसे ही है, एक्टिनोमॉर्फिक, तो ये ऑप्शन भी गया ठीक है, तो बची ये, ट्राइकार्पिलरी होती है सबको पता है ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक है ही, पॉलीएंड्रस है, सुपीरियर ओवरी है, एक्सुअल प्रेजेंटेशन है, तो सी ऑप्शन हो गया। डन डन, चलो लास्ट तक रहोगे तो जोश आएगा, अगले दिन कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। ये क्वेश्चन कॉलीफ्लावर का मैंने दिया है क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा है और नई फैमिली ऐड की गई है, तो आप लिख सकते हो क्या है इसके अंदर, बोटेनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर एनसीईआरटी में नहीं है आई नो, बट स्टिल फटाफट से बताओ, बिल्कुल लास्ट में इसमें होता है बोट्राइटिस, इसमें क्या होता है लास्ट में, बोट्राइटिस है, पीवाईक्यू है नीट का, एनसीईआरटी के बाहर का है, कोई इशू नहीं है ठीक है। चलो एनसीईआरटी में लिख लो, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स, ठीक है बिल्कुल हो जाएगा आराम, पूरा गाइड करेंगे हम लोग कैसे करना है, 300+ नंबर कैसे लाने, 400 कैसे इंप्रूव करना है, सब कुछ ठीक है। तो फटाफट से ये वाला बताओ फटाफट ठीक है, कोरोला के अरेंजमेंट देखो, जब जब जस्ट टच कर रहे हो, ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं है तो वेलवेट कहते हैं, वेलवेट जब ओवरलैप कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हो तो ट्विस्टेड कहते हैं, जब ओवरलैपिंग हो रही है डायरेक्शन पता ही नहीं है तो इम्ब्रिगेट कहते हैं, और जब ऐसा पैटर्न बन रहा है कि एक बड़ा सा है उसके नीचे दो, उसके नीचे दो और लास्ट के दो तुम्हारे फ्यूज टाइप लग रहे हैं, तो उसको कहते हैं 1+2+2 अरेंजमेंट, तो ये होता है तुम्हारा वेक्सिलरी, तो वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिगेट वेक्सिलरी, ये सवाल नीट में आ चुका है और आएगा वापस ठीक है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डन, मेन फंक्शंस ऑफ लीफ, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्स्ट्रा फैमिली पढ़वा दूंगा टेंशन मत लो ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर है, मेन फंक्शन ऑफ लीफ तुम्हारा होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड या फोटोसिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड या फोटोसिंथेसिस, चल वेरी गुड। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं, बट जो आंसर पीवाईक्यू में दे रखा था वो सी था, कई लोगों ने उस टाइम भी बोला था कि भैया एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी है, तो यू कैन कंसिडर वन ऑल्सो, बट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ही था ये ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ही था, बट सी हम लोग ऑफिशियली मार्क करेंगे ठीक है। चलो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, टैप रूट, फाइबरस रूट, एडवेंटिशियस रूट, प्रॉप रूट्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉप रूट्स तुम्हारे क्या है, बैनियन ट्री में होते, सबको पता है, तो डी का हो गया 3, वहीं से आंसर मिल गया, स्टिल अपन मार्क कर लेंगे, टैप रूट तुम्हारा किसमें होगा, फाइब्रस किसमें होगा याद कर लो, FMDT, ये ट्रिक है, फाइब्रस होता है मोनोकॉट में, डाइकॉट में होता है टैप रूट, FM, फाइब्रस मोनोकॉट डाइकॉट टैप रूट, तो फाइब्रस मोनोकॉट में है, मोनोकॉट क्या है इसके अंदर, वीट है, मोनोकॉट क्या है, वीट है, तो बी का हो गया 4, टैप रूट मस्टर्ड क्या है, डाइकॉट है, तो ए का हो गया 2, और एडवेंटेशियस रूट होता है GMB में, एडवेंटेशियस रूट को याद करके ट्रिक है, GMB मतलब ग्रास मॉन्स्टेरा बैनियन ट्री, ग्रास मॉन्स्टेरा बैनियन ट्री ठीक है। लिग्निन इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सेल वॉल ऑफ, लिग्निन किसमें होता है, लिग्निन इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, बिल्कुल लिग्निन किसमें होता है फटाफट से बताओ,
लिग्निन तुम्हारा कहाँ होता है? जाइलम में होता है। लिग्निन तुम्हारा कहाँ पे होता है? किसके सेल वॉल में होता है? जाइलम के सेल वॉल्स में होता है, वुडी पार्ट्स में, वुडी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फेलोजन एंड फेलेम याद करना इसके सारे नाम्स। फेलोजन क्या होता है, फेलेम क्या है? फेलेम होता है कॉर्क, ठीक है। फेलोजन क्या है तुम्हारा? कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। तो फेलोडर्म क्या है? फेलोडर्म क्या है बताओ फटाफट से। फेलोडर्म तुम्हारा होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, तो ऑप्शन बी हम लोग यहाँ पे टिक कर रहे होंगे, ठीक है। चलो फटाफट से चूज करो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर, ठीक है। क्यूटिकल क्या है, बलिफॉर्म सेल्स क्या है, स्टोमेटा क्या है, एपिडर्मिस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सेल तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर। सेकेंडरी थोड़ा डिटेलेटेड है भाई, मत मानो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ टॉपिक्स तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थे, वुड, फ्लोएम, पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, छोटे टॉपिक्स है, भरोसा मत करना कि भाई हटाया गया है, ठीक है। जहाँ जहाँ केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर हटाया गया है मत पढ़ो, बट जहाँ पर तुम्हें लग रहा है ना थोड़ा बहुत स्कोप है वहाँ पे छोड़ना मत, ठीक है, वहाँ पे छोड़ना मत। तो बोलीफॉर्म सेल्स तुम्हारे क्या है? एम्प्टी कलरलेस है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। सेकेंड इलेवन कर लेना, टैक्सोनॉमिकल एड भी कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो बी का हो गया तुम्हारा इसके अंदर 4, बाकी कोई ऑप्शन तुम्हारा बचा ही नहीं है, ठीक है। गार्ड सेल्स तुम्हारे स्टोमेटा में होता है, एपिडर्मिस तुम्हारा आउटर लेयर है, और क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर उसके ऊपर चढ़ता है। क्यूटिकल कहाँ पे नहीं होता? क्यूटिकल कहाँ पे नहीं होता? रूट्स में नहीं होता ना? रूट्स में क्यों नहीं होता क्यूटिकल? डिलीट है, डिलीट है भाई, मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें कॉम्पिटिशन में आगे रहना है तो ये टॉपिक कर लेना, सेकेंडरी ग्रो टैक्सोनॉमिकल एड दोनों। रिस्क बिल्कुल लेनी नहीं है तो, ठीक है। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कह रहे डिलीटेड है, लास्ट ईयर भी सिलेबस के अंदर नहीं कई चीज़ें दे नहीं रखी थी, ठीक है। तो फिर भी वो क्वेश्चन पूछता है, तो जहाँ पे चैप्टर बाकी चैप्टर पूछ रहे हैं ना, तो मैं वो क्या करेगा ना, तुम्हें कन्फ्यूज कर देगा। देखो ये तुम्हारा एपिडर्मिस तुम्हारा सेकेंडरी, ये सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक है ही नहीं, ये तुम्हें लगेगा कि सेकेंडरी ग्रोथ है लेकिन नहीं है, ये है, ये पूरा सेकेंडरी ग्रोथ पे है, लेकिन स्टिल बहुत इजी क्वेश्चंस है, नीट में 8-8 10-10 बार आ चुके हैं, तो क्यों छोड़ना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस कॉल्ड द स्टील, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इन मोनोकॉट, वेस्लर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट ओपन विद एक्सार्क एंड डाइकॉट स्टेम, ठीक है। एक्सार्क कैसे हो सकता है? स्टेम में एंडार्क होगा ना, स्टेम में एंडार्क होगा, रूट्स में एक्सार्क होगा, ठीक है। स्टेम में एंडार्क होगा, रूट्स में तुम्हारा एक्सार्क हो रहा होगा, क्लियर है, क्लियर। चलो हेड ऑफ कॉकरोच कितने सेगमेंट से बना हुआ है? हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म बाय 6 सेगमेंट, डायरेक्ट एमसीक्यू नीट में आ रखा है, ठीक है। चलो लिगामेंट कनेक्ट, लिगामेंट कनेक्ट किस किस को करता है? सबको बताना चाहिए, याद कर लो एम टी बी, ऐसे याद कर लो, दो चीजें होती है, एक टेंडन और एक लिगामेंट। तो एम टी बी, एम टी बी समझे, चढ़े साइकिल राइड की कभी साइकिल, एम टी बी माउंटेन टेरेन बाइक, माउंटेन टेरेन बाइक, ये क्या थी? ये साइकिल थी एक जो माउंटेनियर यूज करते हैं, तो इससे याद करो टेंडन जो है वो मसल और बोन को कनेक्ट करता है, टेंडन जो है वो मसल और बोन को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो है ये होता है बोन टू बोन, बी एल बी, ठीक है। तो बोन टू बोन हमेशा लिगामेंट कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो 41 का हो गया इसके अंदर 1। सेल डिवीजन ऑकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स, तो प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, ठीक है, तभी वो बहुत हाइट तक पहुंचते हैं। और इनमें हम लोग कभी कभी देखते हैं कि ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है, तो ग्रोथ कंटिन्यूअसली, वेयर एज एनिमल्स में एक सर्टन एज तक होता है, ठीक है, क्लियर। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नीट का क्वेश्चन है, हर बार आ चुका है। तो डैश एंड डैश क्या तुम्हारा होता है इसके अंदर? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, और म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है यूनिसेलुलर के अंदर,
यूनिसेलुलर के अंदर म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इंडियन दे देंगे, कांग्रेस दे देंगे भाई, ठीक है, इलेक्शन आ रहे तो ये नहीं देंगे, इलेक्शन आ रहे तो, बट स्टिल ठीक है। तो यहाँ पे यार ना इंडियन नेशनल कोड कोड है वो एक, ठीक है चलो। टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर एडिशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ये भी इतनी बार नीट में आ रखा क्वेश्चन और बच्चे बोल रहे हैं टॉपिक भैया छोड़ दे क्या, क्यों छोड़ना है, टॉपिक बहुत छोटा सा है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे भैया ये होते तुम्हारे कीज में, टाइमिंग हमारा रोज 7 बजे होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, सारे एड्रेस में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लो। कॉलम वन कंटेंस टर्म्स एंड कॉलम टू कंटेंस ए डिस्क्रिप्शन, पढ़ लेना है। ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ए हो गया तुम्हारा 3। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी। सेलुलर ऑर्गेनेल्स को पता ही है कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स, तो क्या ऑप्शन जाएगा, क्या ऑप्शन जाएगा, बी, ठीक है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, सी ऑप्शन जाएगा, सॉरी, मतलब मैंने सही मार्क कर दिया था, मैंने नीचे देखा नहीं, ठीक है, क्लियर है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, प्रोटिस्ट आर, प्रोटिस्ट क्या है भाई, प्रोटिस्ट होते तुम्हारे सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछा गया, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इंक्लूड्स ओनली डीएनए, ओनली आरएनए, आरएनए एंड डीएनए, आरएनए और डीएनए एट इज वन न्यूक्लिक एसिड। सबको पता है कि दोनों नहीं होते, कभी भी दोनों में से एक होता है, एदर, ठीक है, एदर होता है, एदर वर्ड याद कर लो या और वर्ड याद कर लो, ठीक है, तो आरएनए या डीएनए होगा, क्लियर। चलो, विच साइंटिस्ट क्लासिफाई प्लांट्स इंटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स एंड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। सबको पता है कि एक बंदा आया स्टार्टिंग में एकदम इनिशियली, उसने क्या किया, प्लांट्स को बोल दिया 3 कैटेगरी, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, सबसे छोटे हर्ब्स, उससे बड़े श्रब्स, उससे बड़े ट्रीज, और एनिमल्स को बोल दिया 2, एनीमिया एंड इनीमिया, ठीक है। ऐसा वर्ड याद कर लेना, जरूरत नहीं याद करने की, एक जिनके पास आरबीसी है, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है, तो वो बंदा कौन था जिन्होंने ये सिंपल क्वेश्चन दिया, वो थे हमारे एरिस्टोटल भाई साहब, सर एरिस्टोटल। मैच द क्लास ऑफ फंगाई गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉमन नेम गिवन इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबको पता है फाइकोमाइसिट्स क्या है, अपने पास, हमारे पास फाइकोमाइसिट्स अलगल फंगाई होता है, एस्कोमाइसिट्स सैक फंगाई होता है, सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, बेसिडियोमाइसिट्स क्लब फंगाई होता है, और ड्यूट्रोमाइसिट्स फंगाई इम्परफेक्टा होता है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, बस असेक्सुअल स्टेज होती है। तो हम बोलेंगे ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, तो ऑप्शन हो गया इसमें भाई साहब ए, ठीक है। क्लास ऑफ फंगाई गिवन इन कॉलम 1 विद द एग्जांपल्स गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वही मैच करना, एग्जांपल्स तुम्हें यही याद करवा रहा हूं मैं। एस्को का एग्जांपल क्या, सबसे फेमस एग्जांपल एस्को का होता है पेनिसिलियम, ठीक है। बेसिडियो का होता है तुम्हारा उस्टिलैगो एंड पक्सिनिया। फाइको का, ड्यूट्रो का होता है अल्टरनेरिया, कोलोरोट्राइकम और तुम्हारा वो ट्राइकोडर्मा, ठीक है, और तुम्हारा फाइको का हो गया राइजोपस। तो मैच कर लो, ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी किया था, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, टीएमवी हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरसेस, बैक्टीरियोफेज हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मोस्ट एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरस। फटाफट से बताओ, फटाफट, बिल्कुल, क्या ऑप्शन जाएगा, मोस्ट एनिमल वायरस एकदम से डीएनए वायरस होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज भी मोस्टली डीएनए वायरस होता है, ठीक है, प्लांट वायरसेस आरएनए वायरस होता है, टीएमवी जो है
वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लिख लो ठीक है। तो ऑप्शन ए टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच नहीं है। एनाबिना साइनोबैक्टीरिया एकदम सही है, अमीबा प्रोटोजोवा एकदम सही है, गॉन्वुलेट नर्फेटेड एकदम सही है, एल्बिगो क्राइसोफाइट्स गलत है। एल्बिगो क्या है, मैंने बताया था अभी, फंगस है। कौन सा फंगस है, फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है। कैसे याद की फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल, क्या ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी फाइकोमाइसिट्स के एग्जाम्पल्स की, जल्दी बताओ भाई, फाइकोमाइसिट्स के एग्जाम्पल की क्या ट्रिक थी। 1000 लाइक तो फटाफट से, 1000 लाइक, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करते हुए जाना, जाना नहीं रुकना। फाइकोमाइसिट्स की ट्रिक थी राम, राम भैया, राम के छोले कुलचे किसने खाए है, विराट भाई ने खाया है, तो हम कह रहे हैं राम के छोले कुलचे। आर ए एम, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्बिगो, एम फॉर म्यूकर, कौन सा इनकरेक्ट है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, पता है सबको आंसर। टीएमवी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, बाकी सारे स्टेटमेंट तुम्हारे इसमें से सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, अरे रिपीट क्यों हो रहा है, इधर कुछ इशू आ गया, एल्बिगो तुम्हारा क्राइसोफाइट्स। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे, रिपीट छोड़ दो, पता है अपने को। ये क्या है, गोल 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 क्या होता है, गोल गोल क्या है तुम्हारा, ये स्फेरिकल कोका है, कोकस ठीक है, दिख गया आंसर। बी क्या है, रॉड शेप बैसिला है, और बैसिला के आगे क्या होता है, स्पोर ठीक है। सी क्या है, सी स्पाइरल शेप, स्पाइरिलम। डी क्या है, विब्रियो कोमा शेप, ऐसे ठीक है, उल्टा कोमा दिखा दिया है, ये सीधा कोमा ठीक है, तुम्हारा आंसर इसमें क्लियर है। बैक्टीरिया लैक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देर इज फटाफट से बताओ, बैक्टीरिया में अल्टरनेशनल जनरेशन क्यों नहीं होता, ये भी क्वेश्चन नीट में आ रखा है, क्योंकि उनमें ना सिंगैमी होती है और ना उनमें कोई रिडक्शन डिवीजन होता है, ना उनमें म्यूसिस होता है, तो यहाँ पे आंसर हो गया नेदर सिंगैमी नॉर रिडक्शन डिवीजन। एल्जीन कैरेगिन एंड प्रोटीन्स, अभी रिपीट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, रिपीट क्वेश्चन कुछ डाले हैं जानबूझकर और कुछ गलती से आए हैं, एक दो गलती से आए थे अभी, और एक ये जानबूझ डाला क्योंकि यार याद हो जाए। एल्जीन ब्राउन, कैरेगिन रेड, प्रोटीन्स ग्रीन, डन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा क्लास ऑफ अलगी यहाँ पे रेयरली फाउंड होता है फ्रेश वाटर में, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी, बताऊंगा क्यों ठीक है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे एक्सप्लेन करूंगा, टेलीग्राम पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंफ्यूजिंग है, मैंने आपको करा रखा है, लास्ट ईयर भी कराया था ये, लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन भी कर रखा था, पढ़ा रहा था मैं, तो इसको बताऊंगा बाद में ठीक है। चलो इन क्लास फियोफाइसी द प्लांट बॉडी इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय अ डैश, प्लांट बॉडी फियोफाइसी में अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, किसकी मदद से ठीक है, उसमें एक स्टॉक होता है और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो लीफ लाइक तो फ्रॉन्ड हो गया, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ए क्या है, होल्ड करने के लिए, होल्ड करने के लिए सबस्ट्रेटम को होता है होल्ड फास्ट ठीक है, जो स्टॉक होता है उसको कहते हैं स्टाइप, स्टॉक जो होती है उसको कहते हैं स्टाइप, क्लियर है। बढ़े आगे, थक गए होंगे लेकिन थकना नहीं है। निडोब्लास्ट इंडारियंस में होता है, सिलेंट्रेटा में होता है, ये तुम्हारा एंकर, एंकरेज, डिफेंस एंड प्रे, तीनों चीज में हेल्प करते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया इसके अंदर डी, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, इनकरेक्ट मैचिंग, लोकस्टा लोकस्ट होता है कुकुम्बर से, कुकुम्बर मेंड्रिना ब्रेन कोरल होता है, तो इनकरेक्ट मैचिंग तो पकड़ लिया भाई मैंने, तुमने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, पकड़ा कि नहीं पकड़ा इसको। एड्स रनिंग इन लाइव स्ट्रीम, अरे यार यूट्यूब का सिस्टम देखना पड़ेगा, मैं हटा दूंगा ठीक है, एड्स जो है मैं लाइव स्ट्रीम से हटा दूंगा अगली बार से ठीक है। चलो मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, मेटाजेनेसिस क्या था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल और असेक्सुअल फॉर्म्स, जेनेसिस, तो ये कौन शो करता है, ओबेलिया शो करता है, ओबेलिया किसका एग्जाम्पल है, सिलेंड्रेटा का एग्जाम्पल है, ओबेलिया याद कर लेना, मेटाजेनेसिस शो करता है। ओबेलिया का एक और नाम है, किसको पता है, लिखा हुआ यहाँ पे, किसको पता है ओबेलिया का एक और नाम, सीफर, डन। द
फाइलम इन विच फर्स्ट टाइम नर्व नेट अराइजेस, मतलब एक प्रॉपर नर्व नेट होता है एंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम नर्व नेट किसमें आता है? हाइड्रा, सिलेंट्रेटा में। वेरी गुड, हाइड्रा में आता है, मतलब सिलेंट्रेटा में आता है, मतलब निडारियंस में आता है, ठीक है। टीनोफोर्स और कॉमनली नोन एज, टीनोफोर्स को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, ठीक है, दो नाम है इनके, टीनोफोरा सी वेलनट कोम जेलिस। मुझे बताओ दो एग्जांपल्स जो एनसीटी के अंदर है टीनोफोरा के, बेलेनोग्लोसस एंड सैको ग्लोसस। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिडर क्रोम प्लेट्स, 8 ऐसे एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिडर कॉम्प्लेट्स के डायग्राम सबको याद आएगा, 1 2 3 4 5 6 लगा लो 8, ठीक है, जो तुम्हारा टीनोफोरा के अंदर, टीनोफोरा सी वेलनट्स कोम जेलिस। वेरी गुड। विच प्लेटी एलिमेंट्स पसेस हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एनिमिलिया में भी आता है, मतलब इसमें एनिमिलिया से तो है ही है, प्लस तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर में भी आता है। हाँ, बिल्कुल आकाश गुप्ता स्टार्ट करेंगे ये भी। चलो वेरी गुड, क्या होता है ये? सॉरी, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया डुगेसिया, इसको एक और नाम है फ्लैट वर्म। बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये क्या है? बिल्कुल वेरी गुड, टेनिया होता है, ठीक है, टेनिया सोलियम प्लेटफॉर्म, फेसियोला भी उसी में आता है। कौन सा यहाँ पे स्यूडो सिलोमेट है? तो एक एग्जांपल है स्यूडो सिलोमेट का, एस्केलमिंथ। स्यूडो सिलोमेट का एक ही एग्जांपल है एस्केलमिंथ। बिल्कुल, तो क्या एग्जाम्पल है इसका, एसके एलिमेंट्स का? एसके एलिमेंट्स का एग्जाम्पल क्या है? राउंड वर्म, हुक वर्म, फिलारियल वर्म, तीनों है। फिलारियल वर्म क्या है? तुम्हारा एलिफेंटासिस कॉज करता है। कौन सा होता है, कौन सा होता है? राउंड वर्म पता है अपने को, एस्केरीज है, ठीक है। हुक वर्म पता है अपने को, एंकाइलोस्टोमा है। चलो कमेंट कर देना कौन होता है, फिलारियल वर्म क्या है, फिलारियल वर्म क्या है? वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। बिल्कुल, कौन सा करेक्ट है अबाउट पैरापोडिया? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, सर्कुलर मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, हेल्प्स इन स्विमिंग, डोर्सल अपेंडिक्स ऑफ नीरिस। फटाफट से बताओ। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये? नहीं, ठीक है, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फंसाने की कोशिश थी आपको, ये आपको फंसाने की कोशिश थी, ठीक है। पैरापोडिया लैटरल अपेंडिसेस होते हैं, तुम्हारे हेल्प करते हैं, डोर्सल नहीं होते, ये लैटरल होते हैं ना भाई, एनसीईआरटी। और तुम्हें कहाँ पे हेल्प करते हैं? ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दिव्यांशी पूछ रही है भैया पैरापोडिया किसमें था? पैरापोडिया तुम्हारा मोलस्का में था, जाके देख लो, मोलस्का देख लो, जिनको पैरापोडिया याद नहीं देख लेना। कितने नेम्ड स्पीसीज पूरे अर्थ के आर्थ्रोपोडा है? फटाफट से बताओ। लाइन है पहली एनसीडी के आर्थ्रोपोडा की, लगभग 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड आर आर्थ्रोपोड्स। अदर नेम ऑफ लिम्यूलस, लिम्यूलस क्या होता है? लिम्यूलस का एक और नाम है किंग क्रैब, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। कौन से फाइलम में आता है ये? कौन से फाइलम में? फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो, किस फाइलम में आता है? अरे सॉरी, पैरापोडिया मैंने क्या बोल दिया गलती से? अरे सॉरी सॉरी, नीरी, अरे पैरापोडिया तुम्हारा इसमें आता है, एक्सक्यूज सॉरी एक्सक्यूज सॉरी, मोलस्का बोल दिया, एनलीडा। भाई हो जाता कभी कभी कन्फ्यूजन पूरा दिन थकने के बाद ना भाई, एनलीडा का तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी, नीरिस एनलीडा का तो एग्जाम्पल है, नीरिस एनलीडा का तो एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, हो जाती है गलती कभी कभी। विच फ्लावर पसेसेस सुपीरियर ओवरी, याद करने की ट्रिक है एमसीबी, ठीक है, एमसीबी, जेसीबी नहीं, एमसीबी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑल ऑफ द अबाउट सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक
ठीक है। देखो सुपीरियर तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ओवर सुपीरियर रेफरेंस है जितने भी है, ठीक है। तुम्हें याद रखनी है हाफ इंफीरियर के एग्जाम्पल और इन्फीरियर के एग्जाम्पल, ठीक है। हाफ इंफीरियर के एग्जाम्पल याद कर लो, नीट में पूछता है हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर, दो बोलना है बोल लो, ठीक है। हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर के एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, प्लम पीच रोज, पीपीआर, पीपीआर प्लम पीच रोज। और पूरे का पूरे इंफीरियर के एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर वाला, बिल्कुल, ठीक है। बाकी जितनी फैमिली के एग्जाम्पल है, फैबी से फैमिली हो गया, लिली से फैमिली हो गया, सोरेन से फैमिली हो गया, मस्टर्ड फैमिली हो गया, सब में तुम्हारा क्या है, सुपीरियर ओवेरी है, ठीक है। सब में सुपीरियर ओवेरी है, तीनों फैमिली जो चारों फैमिली एंथ्रेडी के अंदर है अभी, ठीक है। करेक्ट मैचिंग क्या है, गैमोसेपलस मतलब सेपल्स तुम्हारे फ्यूज, पॉलीसेपेलस सेपल्स फ्री, गैमोपेटेलस तुम्हारा पेटल जो है वो यूनाइटेड, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, डन। चलो आगे बढ़ेंगे। अ प्रेजेंटेशन इन विच प्रेजेंटेड लव एट द बेस ऑफ द ओवरी और सिंगल ओविल, जब बोला गया कि बेस पे है तो नाम में ही आ गया बेसल, ठीक है, एंड सिंगल ओव्यूल है, तो बेसल का एग्जांपल क्या था, सनफ्लावर मारीगोल्ड, क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, ये एग्जांपल है बेसल का। डायंथस प्राइम रोज किसका एग्जांपल है, डायंथस प्राइम रोज किसका एग्जांपल है, डायंथस प्राइम रोज किसका एग्जांपल है, वेरी गुड। कल भी होगा इसके क्लास, कल भी होगा क्लास, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ेंगे। एडिबल पार्ट इन मैंगो, मैंगो में एडिबल पार्ट क्या होता है, फ्लैशी मीसोकार्प। तुम स्टोनी हार्ड एंडोकार्प खाते हो क्या, जो गुठली खाते हो कभी, गुठली खाते हो, गुठली नहीं ना, तुम क्या खाते हो अंदर, गुठली चबा खुड़ी खाते, तुम खाते हो जो फ्लैशी मीसोकार्प, जो फ्लैश मतलब जो आम रस, रसीले आमों से बना हुआ। आगे बढ़ेंगे। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल इन मोनोकॉट्स आर एनक्लोज्ड इन शीट्स, जब भी बोला जाए प्लूम्यूल रेडिकल किस शीट में होता है, कौन इनको कवर करता है, तो पी से याद करना सीलोप्टाइल, ठीक है, और आर से सीलो राइजा, तो जिसमें पी आ गया प्लूम्यूल, जिसमें आर आ गया वो तुम्हारा रेडिकल, याद कर लोगे, ये सबको याद हो जाएगा, ये इस ट्रिक से, सीलोप्टाइल पी आ गया मतलब तुम्हारा वो प्लूम्यूल उसको एंक्लोज कर रहा है, उसमें आर आ गया मतलब सीलो राइजा मतलब उसमें रेडिकल को वो एंक्लोज कर रहा है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब तुम बताओगे इसका आंसर इनकरेक्ट कौन सा है, मोनोकॉट डाइकॉट एनाटॉमिकली डिफरेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तभी तो अलग इसमें रखे गए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑल्सो डिफरेंट, बिल्कुल सही, बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ सेल, बिल्कुल सही, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स आर सिमिलर इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, नहीं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन जो है वो डिफरेंट होंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलो फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टम, ये तीनों एग्जाम्पल्स तुम्हारे किसके हैं, लैटरल मेरिस्टम, याद चाहिए लैटरल मेरिस्टम का एक और नाम बताओ, सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टम्स मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन में सबसे अबंडेंट हर जगह पाया जाता है पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा यूनिवर्सल टिश्यू है प्लांट का, हर जगह पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा, ठीक है, तो हर जगह जो पाया जाता है वो पैरेन्काइमा, ठीक है। डैश आर स्फेरिकल ओवल सिलेंड्रिकल हाईली थिकन डेड सेल्स विथ नैरो कैविटीज, डेड सेल्स है नैरो कैविटीज है, तुम बोलोगे भाई ये क्या है, फाइबर्स है, ये क्या है, ओवल सिलेंड्रिकल, सही सही बोलो ना, डेड, हाँ फाइबर्स, स्क्लेरिड तुम्हारे गोल होता है, ठीक है, स्क्लेरिड तुम्हारे गोल होता है, सीओ ट्यूब तुम्हें तुम्हें ये सब नहीं होगा, ठीक है, डेड सेल्स वेरी वेरी नैरो कैविटीज, ठीक है। चलो कौन सा यहाँ पे सिंपल टिश्यूज है, सिंपल मतलब कि एक ही टाइप के सेल्स है, एक ही टाइप के सेल्स उसके अंदर है, सिंपल टिश्यू क्या क्या होता है, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्लेरेन्काइमा। प्रोटोप्लास्ट इज एब्सेंट इन ऑल एक्सेप्ट, प्रोटोप्लास्ट किसमें एब्सेंट नहीं है इनमें से, प्रोटोप्लास्ट इज एब्सेंट इन ऑल एक्सेप्ट, फटाफट से बताओ, थक गए भाई, थके कि नहीं थके, बिल्कुल पैरेन्काइमा प्रोटोप्लास्ट होगा, तो जाइलम पैरेन्काइमा विल हैव प्रोटोप्लास्ट, जाइलम पैरेन्काइमा
विल हैव प्रोटोप्लास्ट। स्लेरेंका में वैसे भी डेड सेल होता है, स्लेरेंका में डेड सेल होता है, प्रोटोप्लास्ट जरूरत नहीं है। इनमें प्रोटोप्लास्ट होता नहीं क्योंकि यहाँ पे उनको कंडक्शन करवाना है। ट्रैकीज और वेसल्स में प्रोटोप्लास्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको कंडक्शन करवाना है। डन। फ्लोएम फाइबर विच इज कमर्शियल जो एक्चुअली जूट फ्लैक्स हैम्प, ये एनसीटी की लाइन है, ये एनसीटी की लाइन है। यार मेरे को अपने टाइम पर नीट में जब प्रिपरेशन करता सेम प्रॉब्लम थी कि मैं बैठ नहीं पाता था जगह पे यार, मतलब मेरा पीठ जो है ना बहुत दर्द करती थी, अभी भी है, अभी भी है ये प्रॉब्लम। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये खूब किया था कि घूमते घूमते पढ़ लो, ठीक है, घूमते घूमते पढ़ लो। कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो? अच्छा स्फेरिकल ओवर, अरे मैंने गलत, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज सॉरी। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे इस क्वेश्चन पे थे ना, स्फेरिकल ओवल लिखा है और मैंने तुम्हें बताता था, बोला भी कि ये ओवल है और मार्क फाइबर कर दिया, ठीक है। स्फेरिकल ओवल ऐसे सेल्स कौन से होते हैं तुम्हारे? स्क्लेरिड्स होते हैं, ठीक है, स्क्लेरिड्स होते हैं, ठीक है। चेयर पर बैठ जाए भाई, चेयर पर बैठने में मज़ा नहीं आता है, पता नहीं क्यों, बेड पे तो मज़ा है ना, वो चेयर पे नहीं आता। आगे बढ़ेंगे। द ओनली प्लांट सेल्स विदाउट न्यूक्लिया अमंग द फॉलोइंग आर, जिसमें न्यूक्लिया ही नहीं है, फटाफट बताओ। बहुत फेमस है ये, सीव सेल्स, सीव सेल्स बिल्कुल, ठीक है। एक और होता है आरबीसीज हमारे बॉडी के, ठीक है, ये तुम्हारे ई न्यूक्लियेट टाइप के सेल्स है, ई न्यूक्लियेट। हाँ हाँ डालेंगे बिल्कुल हरनास। कौन सा यहाँ प्रोसेस करता है क्लोरोप्लास्ट? मैं खत्म करके जाऊंगा आपका लेक्चर, 15 मिनट 10 मिनट और दो, 15 क्वेश्चन के अंदर खत्म कर देंगे, खत्म होने वाला है, 100 क्वेश्चन होने वाला, तो पता नहीं लग रहा, 82 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। कौन सा प्रोसेस करता है क्लोरोप्लास्ट, फटाफट से बताओ। ये सारे, ठीक है, सारे मिसोफाइल्स में क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल में मिसोफाइल सेल्स ही होता है, लीफ के अंदर मिसोफाइल सेल्स जो तुम्हारा खाना बनाते हैं, गार्ड सेल्स में भी तुम्हारा होता है, स्टोमेटा क्लोज ओपनिंग, ठीक है, वहाँ भी खाना बनता है। समटाइम्स इन कोलेंकाइमा, कोलेंकाइमा अगर यंग है, यंग प्लांट में हो रहा है, यंग प्लांट में टिश्यू कोलेंकाइमा के प्रेजेंट है, तो वहाँ पे तुम्हारा कई बार क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी होगा, आज यूनिट 1 यूनिट 2 है ना, कल तुम्हारा यूनिट 3 यूनिट 4 होगा, ठीक है। फॉलोइंग प्लांट पार्ट एलोंगेट डायरेक्टली एंड लीड्स टू फॉर्मेशन प्राइमरी रूट्स, प्राइमरी रूट कहाँ से डायरेक्टली बनता है? रेडिकल्स है, ठीक है। प्ल्यूमिल तो स्टेम बनाता है, प्ल्यूमिल तुम्हारा स्टेम बनाता है, रेडिकल तुम्हारा रूट, बस सबको पता है, तो रेडिकल का डायरेक्ट पार्ट जो है वो बनाता है प्राइमरी रूट, उसके आते ब्रांचेस सेकेंडरी रूट्स, उसके और बनते टर्शियरी रूट्स, ठीक है। तो ये रेडिकल था, इससे निकला प्राइमरी रूट, इससे निकले सेकेंडरी रूट्स, ठीक है, और इनसे निकले टर्शियरी रूट्स। इजी कॉन्सेप्ट है ये। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम, रूट हेयर कहाँ होते हैं? एलोंगेशन में तो नहीं होते, क्योंकि एलोंगेशन में तो एलोंगेट हो रहा होता है। आई थॉट ओनली आई एम हेयर, डू यू थिंक इट इज वर्थ टू वॉच देन डूइंग फ्रॉम नोटबुक? क्या 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 रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे भी सेल बहुत क्विकली डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। रूट कैप पे क्यों होगा भाई, ठीक है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन एक ऐसा जोन है जहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। स्टिल्ट रूट्स को याद करके ट्रिक है, SMS, SMS सेंड करते हो ना, अभी तो कोई सेंड नहीं करता फिर भी, ठीक है, तो SMS क्या है? स्टिल्ट रूट इज फाउंड इन मेज एंड शुगर केन, मेज एंड शुगर केन, स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन मेज एंड शुगर केन, ये ट्रिक याद रहेगी। देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, बस 12, 13, 15 सवाल बचे, खत्म करते हैं फटाफट से, 100 क्वेश्चन करते तुमने देखे देखे, ठीक है, 100 क्वेश्चन तुम करने वाले देखे देखे फटाफट से। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स क्या थे तुम्हारे? उल्टे उगने वाले रूट्स थे, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स कहाँ होते हैं? ऐसे कंडीशन में जहाँ पे तुम्हारा मार्शी एरिया है, स्लाइन एरिया है, तो रूट्स जो तुम्हारे उल्टे उगते हैं ऊपर की तरफ टू गेट ऑक्सीजन, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन कम है, ठीक है, नीचे मार्शी है, मीथेन गैस है, सलाइन कंडीशन है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो ऊपर ग्रो कर गया भाई। न्यूमेटोफोर्स किसमें होता है? न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स किसमें होता है? राइजोफोरा में, ठीक है। चलो, द रीजन द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड, जहां पे लीव्स बॉर्न होते हैं उस रीजन को हम लोग कहते हैं नोड्स, वाइल डैश द पोर्शन, इंटर नोड्स जो है वो पोर्शन होते हैं बिटवीन टू नोड्स, क्लियर। तो नोड इंटर नोड, अरे यार घूमता क्यों है तू,
नोड इंटर नोड नोड, कल सुबह लेक्चर भी है यार हमारा, जाना पड़ेगा ऑर्थो ईएनटी। चलो फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है, पोटैटो, जैमिनकेंड, कोलोकेशिया, टर्मरिक, जिंजर, ये तुम्हारे एग्जांपल्स है अंडरग्राउंड स्टेम के, ठीक है। तो पोटैटो, जैमिनकेंड, यूफोर्बिया नहीं है इसमें, पोटैटो ये ऑप्शन बी, इसमें सिट्रस नहीं है, ओपुंटिया नहीं है, ठीक है, इसमें कुकुम्बर, वाटरमेलन फिर भी है, कुकुम्बर नहीं है, ठीक है। चलो अ ब्रांच इन विच ईच नोड बियरिंग रोसेट ऑफ लीव्स एंड अ थफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकोरनिया। सबको पता है पिस्टिया में कैसा होता है, फ्लैट की फ्लैशी, फ्लैट फ्लैट टाइप, और फ्लैशी होता है तुम्हारा इसमें। चलो अच्छा ओप्यूंटिया वाला वो, ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुको, ओप्यूंटिया और यूफोर्बिया, ठीक है इसको पढ़ाऊंगा बाद में, चलो ठीक है पढ़ाऊंगा अभी नहीं। द मेन पर्पस ऑफ फाइलोटैक्सी फॉर लीव्स इज टू प्रोवाइड, फाइलोटैक्सी क्या करता है तुम्हारा, हर एक लीफ को एडिक्वेट क्या मिले, लाइट मिले, हर एक लीफ को एडिक्वेट लाइट मिले, इस हिसाब से हम लोग फाइलोटैक्सी को देखते हैं, ठीक है, कि लीफ का प्रॉपर अरेंजमेंट। फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, मुझे बताओ क्या क्या टाइप के होते हैं फाइलोटैक्सी, क्या क्या टाइप्स के, अल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड, अल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड। ऑपोजिट को याद करने की ट्रिक क्या है, जी ओ सी, ओ फॉर ऑपोजिट, जी फॉर गुआवा, सी फॉर क्या, अल्टरनेट को याद करने की ट्रिक क्या है, पिस्टिया बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, और वर्ल्ड तुम्हारा होता है तुम्हारा यहाँ पे एल्स्टोनिया, क्लियर। चलो इसको याद करने की ट्रिक है अल्टरनेट की, सी एम एस, सी एम एस एक स्कूल है, ठीक है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन डैश मेन फॉर डैश रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है पूरा, इनको हम लोग सेक्सुअली प्रोडक्टिंग प्लांट्स तो कहते हैं। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस विद इन द डैश ऑफ स्टेमन, तो पोलन ग्रेन्स किस में बनता है, एंथर में, मतलब को पता है ऊपर होता है एंथर और नीचे उसका फिलामेंट, क्लियर। चलो बोटानिकल नेम ऑफ बनाना याद कर लेना, ये बनाना का बोटानिकल नेम क्या होता है, फटाफट लास्ट कुछ सवाल है। हाँ मूसा तो होता है, मूसा तो होता है, मूसा पैरा डिस्की का, ठीक है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में रखा तभी मैंने इंक्लूड किया है, एनसीटी में लिख लो, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट कैलिक्स, कैलिक्स के लिए क्या सही है, आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, सेपल्स उसके मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल सही, सेपल्स का ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड से, बिल्कुल सही। कैलिक्स कैन बी गैमोसेपल्स, सेपल्स फ्री नहीं, सेपल्स फ्यूज, गैमो मतलब फ्यूज होता है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, तो ए एंड बी तुम्हारा सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन तुम्हारा इसमें हो गया भाई डी, बिल्कुल। मैच कॉलम वन कंटेन टाइप्स ऑफ एसोसिएशन विद द एग्जांपल्स गिवन इन कॉलम टू, फटाफट से बताओ। वेलवेट का मतलब कैलोट्रोपिस, वीसी, वीडियो कॉल, वेलवेट का हो गया कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का तुम्हारा एग्जांपल क्या हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, तो ट्विस्टेड में गया। इम्ब्रिगेट का केशिया गुलमोहर, इम्ब्रिगेट का केशिया गुलमोहर, केशिया गुलमोहर, ठीक है। वेक्सलरी का होता है पी फैमिली, बी पी बीन ग्राम सब होता है वेक्सलरी, तो ए का हो गया टू, बी का हो गया वन, सी का हो गया फोर, डी का हो गया थ्री। काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी शोन इन द गिवन फिगर, ए बी सी डी मैच करना है। ए में क्या है, एक नोड पे एक ही लीफ है और फिर उसके अगले पे एक साइड पे, उसके अगले पे एक साइड पे, तो अल्टरनेट है, अल्टरनेट। अगर एक नोड पे ना, इसको पहचानना कैसे, देखो पहचानना कैसे इसको, अगर एक नोड पे एक ही लीफ है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये अल्टरनेट है, एक इस तरफ एक इस तरफ। अगर एक नोड पे दो लीफ है, देखो एक ही नोड पे दो लीफ है और ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, तो ऑपोजिट, और एक ही नोड पे अगर बहुत सारे लीफ है और ये वर्ल्ड बना रहे इस तरीके से, तो वर्ल्ड, ठीक है, तो ए हो गया अल्टरनेट, बी हो गया ऑपोजिट, सी हो गया वर्ल्ड। क्लियर कॉन्सेप्ट सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लास्ट के कुछ सवाल बचे हुए यार, फटाफट खत्म करेंगे, मजा आएगा। नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। राइजोम ऑफ जिंजर, कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया, पिचर ऑफ हेपेंथस, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ट्यूबर पोटैटो तो बिल्कुल है,
जिंजर देखा था अपने, जिंजर भी था अभी, ठीक है, कोलोकेशिया भी था। पिक्चर ऑफ निपेंथस तुम्हारा लीफ का है, इसको अपलोड तो टेलीग्राम पे भी होगा पीडीएफ, प्लस तुम्हारा सेशन जो है रिकॉर्डेड तुम्हें मिल रहा होगा यूट्यूब के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बना के, ठीक है। हाँ करवा दूंगा, विराट कोहली 82, अभी सेंचुरी तो 80 हुई, लेकिन पिक्चर ऑफ निपेंथस ये तुम्हारा लीफ का मॉडिफिकेशन है। न्यूरोग्लिया, ये क्वेश्चन डाल रखा है मैंने, न्यूरोग्लिया क्या होता है, तुम्हारे सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक है, क्या ये एक्सटेबल होते हैं कि नॉन एक्सटेबल होते हैं, न्यूरोग्लिया आर, फटाफट से बताओ। केमिस्ट्री का भी प्लान करते हैं, एक्साइट क्यों होंगे ये, इनमें एक्साइट करने को कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि नॉन, ये है नॉन न्यूरोनल सेल्स, ठीक है, तो एक्साइटेबल सेल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्साइटेबल सेल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। 2 to 3 times नहीं होता है, कितना होता है, हाफ द वॉल्यूम। इधर सारी गर्ल्स इतनी सुंदर क्यों है भाई, क्या करना है तुम्हें, ठीक है, और क्यों करना है, चलो ठीक है, और कहाँ देख लिया भाई सुंदर गर्ल्स तुमने यहाँ पे, चलो 2 to 3 times इन वॉल्यूम, नहीं भाई हाफ होता है, हाफ इन वॉल्यूम ऑफ टोटल न्यूरल टिश्यू, सपोर्टिंग एंड नॉन एक्साइटेबल, ठीक है, और गर्ल्स तो सारी सुंदर होती है, ठीक है, ये तो बोलना ही पड़ता है, वरना तो तुम मोर देन हाफ, लिटरली थोड़ा तो मोर देन हाफ। देखो किसी के, किसी का फोटो लगा हुआ नहीं, कमेंट में दिख रहा है मुझे, साक्षी हंस भी रही है, सबका नाम लिखे हुए आ रहा है, और ना प्रोफाइल खुलती है ऐसे। फिजिक्स के लिए भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ठीक है। द माउथ पार्ट्स लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और बोल भी हम लोग रहे कि यहाँ पे तो कोई गर्ल सुंदर नहीं है, ऐसी एक शक्ल लेके गोरला जैसी, हम खुद की शक्ल गोरला जैसी हमारी, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग जज करेंगे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, चलो। द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच फटाफट से बताओ किस टाइप का होता है, कटिंग एंड बाइटिंग टाइप, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ेंगे, हाँ गोरला, गोरला वाले में खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, खुद को भी इंक्लूड करो कि भाई मेरी भी है, ठीक है। चलो मैच द टाइप ऑफ कंजर्व्ड टिश्यू गिवन इन, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, कॉलम वन एंड कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये मैंने जानबूझकर ऐड किया, बच्चे छोड़ेंगे कम से कम याद हो जाएगा, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, फटाफट से बताओ, लूज में तुम्हारा आ गया फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, डेंस रेगुलर, जैसे ही डेंस रेगुलर बोलोगे तो क्या मार्क करोगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, डेंस इररेगुलर तुम बोलोगे भाई स्किन में होता है ये, और स्पेशलाइज तुम बोलोगे, भैया कोटा के एड बार बार आ जाते, तो कोटा के एड, कोटा में तुम रहते होंगे तब तुम्हें कोटा के ऐड आ रहे हैं, ऐड क्यों आ रहे हैं, ऐड मंडा दूंगा अर्नेस्ट से, ठीक है। यूट्यूब में ना ऑटोमेटिक सेटिंग होती है कि प्लेस मिड रोल एड्स, तो सेशन के बीच में ऑटोमेटिक प्लेस हो गए थे आज, मैं सेशन के बाद हटा दूंगा, कल अर्नेस्ट सेशन से नहीं मिलेंगे, ठीक है, मिड रोल नहीं मिलेंगे बिल्कुल। चलो स्पेशलाइज सेल्स कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारा हो गया कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, तो तुमने आंसर क्या मार्क कर दिया भाई इसका, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, क्लियर। चलो और यहाँ पे हमने लिखा है थैंक यू, धन्यवाद, मजा आया सबको, मजा आ गया, थके होंगे, देखो स्टार्टिंग में क्लास में 500 बच्चे थे, यही होता है हर बार, ठीक है, यही होता है, स्टार्टिंग में क्लास में 500 बच्चे थे, लास्ट में आते थे 250 पे आ गया, 230 पे आ गया लगभग, मतलब 238 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज यही पर तुम समझ रहे हो, आधा कॉम्पिटिशन खत्म हो रहा है, ठीक है, यहीं पे तुम्हारा आधा कॉम्पिटिशन जो है वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है, मजा आ गया। डे वन का अटेंडेंस, जैसे ही सेशन खत्म होगा ना, वहाँ पे लिख देना अटेंडेंस नीचे कि भैया डे वन कंप्लीट, ठीक है,
100 क्वेश्चंस डन, 100 एमसीक्यूज डन, यूनिट 1 एंड 2, और जो तुम्हें कमेंट करना कर दे, थोड़ी तारीफ कर देना बढ़िया से, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट मास्टर्स ये लूज टिश्यू के अंदर होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार उनको समझना, मास्ट सेल्स इन्फ्लेमेटरी तुम पढ़ोगे बाद में, ठीक है। और बाकी बहुत सारे सीरीज लेंगे, 15 मिनट सीरीज, जहाँ 15 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ट्रिक्स बता देंगे लाइव आ के, ठीक है, या कभी कभी वीडियो के थ्रू भी टाइम जैसे जैसे मिलेगा, ठीक है। मुझे अभी यहीं सोपाल में आना है, आ जाओ भाई मिल लूंगा। आज के टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है अब, बिल्कुल आज जो टेस्ट हुई है ऑल इंडिया बोर्ड टेस्ट से एनालिसिस करो, ठीक है। अभी मैंने आंसर की दी नहीं उसकी, क्योंकि कल कल से पेपर चलेगा, ठीक है, तो एक बार गलती अपने देख लो, और बाकी कल, ठीक है, बाकी कल अपन उसका प्रॉपर लाइव सेशन करेंगे, लाइव सेशन में एनालिसिस करेंगे। और जितने मेंटोरशिप वाले बच्चे हैं संघर्ष बैच या आगाज बैच, उनसे बात करूंगा मैं, जितने बच्चे हैं उन सबसे, और उनको अपन संघर्ष बैच जो है कल से अपन कॉमन टारगेट देना स्टार्ट कर देंगे, और आकाश बैच को भी कल से टारगेट्स मिलेंगे प्रॉपर विद डेली DBPs, ठीक है। कोई आपके पीछे पढ़ा रहेगा ना तभी आप पढ़ोगे, जब कोई आपके पीछे पढ़ा रहेगा ना तभी आप पढ़ोगे, और वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं कि मेंटर को बोलकर रखा है मैंने कि नहीं भाई इन बच्चों को पढ़ाओ, इनको रोज़ पीछे पढ़ो, इनसे रोज़ क्लास लो, DBPs पूछो क्या किया रोज़, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपका रोज़ का अपडेट हम लोग लेते रहेंगे, ठीक है। डे वन कम्प्लीट, चलो क्लास है पढ़ो, केमिस्ट्री करना है पढ़ो, ठीक है, जो करना है करो, क्वेश्चंस तुम्हें भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कल सेम टाइम क्लास होगी, और कल फिर आना, और एक बीच में सेशन लूंगा, टेस्ट सीरीज नहीं बुलाओ भाई, कल मैं बोला ना कल लाइव लूंगा मैं, टेस्ट खत्म होते ही, कल टेस्ट खत्म होगा उसके बाद लाइव आ जाऊंगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज अपने ग्रुप पे, ठीक है। कल टेस्ट सीरीज शायद तुम्हारा 8 बजे तक ओपन रखा है, ठीक है। और एक और चीज, अरे नहीं भूले भाई, बिल्कुल नहीं भूले, सेशन कल बोला ना, कल सेशन है, ठीक है, सेशन बस 7-8 दिन पहले सेशन हुआ था आई गेस, ठीक है, वर्थ इट था। और मुझे बताओ कि एक अपन वो करे इंपॉर्टेंट असर्शनिज्म क्वेश्चंस, ठीक है, ओनली AR क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस पूरे बायो के, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर देंगे कि भाई काम बन जाएगा अपना। सब लोग बोलो हाँ तभी करेंगे भाई, फटाफट से बताओ कि रेडी है सब लोग AR के लिए, असर्शन रीजन के लिए। क्लास अभी 5 मिनट भी नहीं है, खत्म कर रहा हूँ, बस तुमसे बात ही कर रहा हूँ, नेट कहीं खत्म तो नहीं हो गया मेरा। AR क्वेश्चंस के लिए कब करना है, थक गए, अरे नहीं बोला हूँ भाई, ठीक है, कब करना है बताओ फटाफट से, कब करना है डेट बताओ फटाफट से, 25 है आज, 1 तारीख को कर ले, 1 तारीख को कर ले, 1 या 2 तारीख को, टोटल टोटल अपन करेंगे 150 असर्शनिज्म क्वेश्चंस, 75 मैं कराऊंगा, 75 आप लोग करोगे, 75 मैं कराऊंगा पूरे बायो के, 75 100 100 मैं कराऊंगा, और 50 का मैं होमवर्क दूंगा पूरा PDF बना के, आपको उस दिन सॉल्व करना रात तक, ठीक है, लेकिन करना है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। जब 100 क्वेश्चन कर लोगे ना हाथ में से कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूरे बायो के, तब बोलोगे कि मजा आ गया, ठीक है, नहीं करने में देरी नहीं, बिल्कुल एकदम जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो 30 तो बिल्कुल करेंगे 30 को, ठीक है, 30 पता नहीं कब आएगा फेब के अंदर, जब आएगा तब करेंगे, वरना 1 तारीख तो है ही अपने पास, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे अभी पूरा टाइम टू टाइम, और मिलते हैं, ठीक है, गुड नाइट, चलो।